अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करता हूँ आप सबको अपने न्यू व्लॉग में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कल जो है पूरी रात चला था और पहुँच गया था कारगिल। वहाँ पे मैं एक दो घंटा सोया था। माल जो हमारा था जनस्कार का था। जनस्कार से वापसी पे आए, अभी चल रहे हैं। अभी पहुँचा हूँ मैं द्रास और अभी चल रहा हूँ। सुबह के बजे है 6:15। देखते हैं अभी क्या करेंगे। अभी सीधा जाके लोडी करना पड़ेगा क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया इस चक्कर के साथ। गाड़ी 3-4 दिन खाली नहीं हुई वहाँ पे। चलो देखते हैं क्या होगा आगे। फिलहाल चल रहे हैं, बाकी आप व्यू देख लो बाहर का। तो गाड़ियों को जो है छोड़ दिया है अभी आगे। अभी हम भी निकलेंगे आगे। पता नहीं अभी तक लगभग 6:30 हो गए, 6:15 छोड़ ही नहीं रहे थे, आधे घंटे से यहीं पे बैठे हैं। चलो अभी छोड़ दिया फाइनली। अभी चलो निकल चुके हैं अभी मिनीमार्क से, लेकिन ऊपर जो है ना बादल चढ़ गए। क्या पता कहाँ पे बारिश स्टार्ट होगी। तो अभी जुलाई भी खत्म होने वाला है, बर्फ अभी भी ऐसी की ऐसी है। अब अगस्त से तो लगभग अगस्त सितंबर से बर्फ नहीं स्टार्ट गिरनी होती है। अगस्त सितंबर से जो है फिर से बर्फ स्टार्ट होती है गिरनी, तो उसके बाद फिर जमा होगी बर्फ। मतलब इस साल बहुत ज़्यादा बर्फ थी, बहुत ज़्यादा, जितनी गिरती थी उससे हद से भी ज़्यादा। बाकी अभी बादल बहुत ज़्यादा चढ़ चुके हैं, बारिश जैसे कि अब भी स्टार्ट होगी। फिलहाल पहुंच गए हैं हम, इसको बोलते हैं रबड़ नाला। यहाँ पे पहले एक टाइम पे प्लास्टिक डाला था कि रोड प्लास्टिक डालेंगे तो रोड क्या पता ठीक रहेगा, लेकिन प्लास्टिक भी कामयाब नहीं रहा। अब ये टायर लगा दिए। ये वाला एवलांच तो अब अगले साल तक रहेगा क्योंकि ये पिघलना अब नामुमकिन है। जुलाई तो ख़त्म हो गया, अब बस ठंड उठेगी और बर्फ गिरनी स्टार्ट होगी इस साइड। बाकी धुंध, बाप रे, पूरा जोजला गायब हो गया धुंध से। देखो धुंध भाई, और भाई आज जो है लोड नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं सोचा था कारगिल का माल मिलेगा तो मैं कारगिल 22 तारीख तक वापस आ जाऊंगा कारगिल से, क्योंकि बारिश 22 तारीख को आता है सैटरडे। सैटरडे को मुझे इस गाड़ी की फिटनेस करनी है क्योंकि फिटनेस हो गई है ख़त्म। तो भी पहले करूंगा इसकी फिटनेस, फिर ही करेंगे लोड उसके बाद ही। चलो फिलहाल घर तक तो चलेंगे। आज ग्राउंड में गाड़ियाँ है क्योंकि भाई आज आई थी जम्मू की कानवाई। तो अभी जो है संस्कार आके मैं घर में ही बैठा था 2 दिन। तो आज जो है देखो बारिश, आज मैं निकल गया, यहाँ मुझे शूज़ जो है चारों व्हील के चेंज करने हैं, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है तो मैं सोचा क्यों खुद को गीला करना। मैं भी टायर वाले के पास जा रहा हूँ यहाँ आगे, वहाँ पे नट ढीले करके लाऊँगा और फिर ही टायर खोलूँगा। बाकी बारिश ने इस साल ख़त्म कर दिया, इतनी ज़्यादा बारिश आ रही है ना। फिलहाल आप बाहर देख ही लो क्या हालत है। चलो अभी मैं जाता हूँ नट वट खोल के फिर शूज़ डलवाता हूँ गाड़ी में। जितना आगे जा रहा हूँ उतनी बारिश तेज होती जा रही है, क्या करे भाई। चलो अरे टायर वाले के पास खिंचवा रहा, ये देखो
बंदे को मैंने 10 मिनट पहले बोला मशीन स्टार्ट करके रखो, नहीं रखा है, देखो हंस क्या रहा है। कैसा बिस्मिल्लाह टायर के जो नटे वो डिले करके जाएंगे यहाँ से। हाँ 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 पत्थर है अच्छा क्या अच्छा बोला था मैंने प्रेशर बना के रखो गाड़ी में, इसमें मशीन में प्रेशर बना के रखो, लेकिन नहीं। निकल चुका हूँ टायर वाले के पास से, लेकिन बारिश फिर से कुछ मिनट जब तक मैंने नट खोले तब तक बारिश रुक गई। अब जो है फिर से बहुत तेज़ बारिश जो है स्टार्ट हो गई है। अभी वापस जा रहा हूँ मिस्त्री के पास। नेटवर्क तो मैंने डिले करके रख दिए हैं, अभी बस वो टायर लेवर से खोलने हैं, बाकी चलो मिस्त्री के पास उधर खोलेंगे टायर। चलो उतना गीला नहीं होगा मैं जितना अगर मुझे खुद खोलने पड़ते तब हो जाता, क्योंकि रॉड से खोलने में टाइम लगता है और टायर लेवर से कितना टाइम लगेगा। ये नट 10 जो है बाहर फेंकनी है खाली और खोलना है टायर बस। चलो अभी कंगन मार्केट से जा रहा हूँ भाई। मार्केट कंगन मार्केट में सैलाब आ गया है, देखो कितना पानी भर गया है, सारे रोड फिर से बंद, ये तो कंफर्म है, क्योंकि जिस हिसाब से बारिश गिर रही है ना उस हिसाब से तो लगता है कि सारे रोड बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों एक व्हील तो खोल लिया लेकिन पानी से क्या हो गया भाई, हालत ही खराब है, पूरा नहा के आया मैं भी। एक शूज तो खोल लिया, दूसरा टायर भी नट वट और जैक चढ़ा के रखा है, लेकिन अब जाके थोड़ी बहुत जो है बारिश रुक गई है और अभी लगाएंगे पहले शूज, क्योंकि शूज ख़त्म हो गए थे पूरे। बारिश जो है रुक रही है फिर गिर रही है, रुक रही है फिर गिर रही है, आज मुझे नहीं लगता बारिश रुकेगी। सारा भाई तीसरा चक्का खोल दिया, अभी शूज़ लग रहा है, उसके बाद है ये एक आखिरी बस। लेकिन भाई हालत ही ख़राब हो गई आज, ऊपर से नीचे तक गीला हो गया। तो भी काम हो चुका है ख़त्म, शूज़ सारे चेंज कर दिए, बस अब निकल जाऊंगा मैं व्हील जो है टाइट करवाने, क्योंकि भाई व्हील मैंने इसे ही टायर लिवर से टाइट कर दिए, तो भी उधर मशीन से टायर वाले से करवाऊंगा टाइट। तो भी आया था टायर वाले के पास टायर कसने, लेकिन भाई इतनी किस्मत ख़राब है ना कि टायर वाला जो है उसका मशीन ही ख़राब हो गया है, सीज हो गया है उसका मोटर जनरेटर। चलो अब क्या कर सकते हैं, दूसरे के पास आया था वो बंद है, अपनी किस्मत ही है ख़राब, खाली पीली तेल जल गया इतना, अभी खुद टाइट करने पड़ेंगे। चलो अभी घर में करेंगे टाइट उनको रॉड से। तो अभी दोस्तों व्हील नट जो है वो टाइट कर दिए, हालत जो है ख़राब हो गई, लेकिन अभी घर पहुंच चुका हूं, यहीं पे मैंने फिर टाइट कर दिए जो भी नट थे चारों चक्कों के,
फिलहाल अभी गाड़ी लगाऊंगा साइड में और निकलता हूँ घर। चलो करते हैं ये व्लॉग, यही एंड मिलेगा आप लोगों से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी बैठा हूँ घर में।